और बिल्कुल ख़तरनाक सी जगह पे पहुंच चुके हैं अभी। अपने बिल्कुल लेफ्ट राइट ब्लैक आइस है और ये भी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अब ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। सुनो कितनी प्यारी सी लग रही है यार ये जगह, एकदम अलग ही जगह पे पहुंच चुका हूँ ऐसा लग रहा है। और हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं मेरे, अब हाथ ने काम करना बंद कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी स्कूटी स्लिप मारना शुरू हो गई है क्योंकि ब्लैक आइस है। बिल्कुल संभल के चलो धीरे धीरे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये नज़ारे देखो, ये सड़क को देखो, दोनों जरूरी हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मैं खजियार जाऊंगा, तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूं खजियार तरफ। देखते हैं किस तरह का वेदर है, स्नो पड़ी है या नहीं पड़ी है, वो तो अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है अब। और मौसम थोड़ा ऐसे ख़राब ही है, बादल से छाए हुए हैं। मैं प्रे करता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि खजियार जो काफ़ी ज़्यादा हाई एलिवेशन में है, 6,500 फीट की ऊंचाई पे है बसा हुआ खजियार, तो ठंड काफ़ी होगी। तो मैं प्रे करता हूँ कि बारिश ना हो, और वर्स्ट सिनेरियो अगर बारिश हो भी जाती है तो मेरे पास तो अपना पूरा जुगाड़ है, रेनकोट वगैरह मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ। और खजियार को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो और पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं इस लेफ़्ट वाले रोड से आया था कांगड़ा से, और अभी जाऊँगा राइट वाले रोड में, यह निकलता है चंबा। चंबा यहाँ से 109 किलोमीटर है और खजियार 70 किलोमीटर है। तो यहाँ साइड में लगा देता हूँ क्योंकि एक साइड बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है, जो मिट्टी में पैर डालना। और ये अपने सामने आ गई चंबा कांगड़ा शिमला सुपरफास्ट HRTC। तो चलते हैं आगे। सो अभी पहुँच चुके हैं पास्का। तो अगर आपने मेरी चलो चंबा छोटी मणिमहेश यात्रा वाली वीडियो देखी होगी तो मैं यहाँ से गया था। तो कुंजर महादेव को प्रणाम करने के बाद चलते हैं अब आगे खजियार की तरफ। और स्कूटी में पेट्रोल थोड़ा कम ही है, तो चवाड़ी के पास पेट्रोल पंप है एक, वहाँ पे पेट्रोल भराएंगे। और चवाड़ी है यहाँ से 18 किलोमीटर। यार इन पहाड़ी रास्तों में दिक्कत पता क्या होती है, एक तो ये सिंगल लेन रोड होता है, सामने से गाड़ी आ जाए तो पास देने में दिक्कत हो जाती है। और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल स्लो चलना पड़ता है और पूरा कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी के ऊपर आपका। अगर एक छोटी सी गलती भी आप करते हो तो यहाँ पे भारी पड़ सकती है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एक मंदिर है माता जी का, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे इस मंदिर का, पर जब भी यहाँ आते हैं तो मत्था टेक के चलते हैं। तो यहाँ बाहर से मत्था टेक लेते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, जय माता जी। एक डॉगी मिला, इसको बिस्कुट डाल देते हैं, ले खाएगा कि नहीं खाएगा, आजा टेस्ट कर खाएगा कि नहीं, नहीं खाने। ये बड़ा पंगा यार, हर जगह के डॉग्स का अलग अलग टेस्ट है। कांगड़ा के डॉग्स बड़े खुश होकर खाते हैं ये बिस्कुट, और ये नहीं खा रहा, अब खाने लग पड़ा। अजीब नखरेले हैं यार ये भी, अब इसके लिए वेट करना पड़ेगा। भाई खाना तो फटाफट खाओ और डाल लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अगर तो दो चार डाल देता हूँ, खाना होगा तब भी इसकी मर्जी, नहीं खाने होंगे तब भी इसकी मर्जी, कोई और खा लेगा। भाई डॉग्स का भी अलग अलग टेस्ट है यार, कईयों को नमकीन बिस्कुट पसंद है, कईयों को मीठे, और कईयों को बिस्कुट पसंद ही नहीं है। तो माता जी को प्रणाम करके चलते आगे अब। और ये पहाड़ियाँ देख रहे हो, एकदम सुई की तरह पहनी है, अब तो बहुत कम है पर पहले बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पे ये पहाड़ियाँ, लेफ्ट राइट दोनों साइड होती थी, शायद काट दी है पता नहीं। मैं भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ ऐसा बोलूँ तो जब पहले यहाँ पे आया करते थे तो दोनों साइड पहाड़ियाँ होती थी। और आगे आ गई HRTC,
तो HRTC को रास्ता देते हैं, साइड में लगा देता हूँ मैं, आई थिंक यहाँ से निकल जाएगी। पठानकोट द्रमण, तो चलते हैं आगे। ये पहाड़ देख रहे हो, एकदम लाल मिट्टी से बने हुए हैं और बहुत ही स्लिपरी रोड है। अब तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा खुला लग रहा है मेरे को रोड। तो जब पहले मैं आया था 2-4 साल पहले तो बिल्कुल कंजेस्टेड था और सिंगल बस जाती थी पूरी फिट। अब तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पे अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड नुकीले से पहाड़ होते थे, वो भी काट दिए गए हैं। मैं सोचा था आपको दिखाऊंगा अगर होंगे तो, पर एक ही पहाड़ मिला वो पीछे जो मैंने आपको दिखाया। पर चलो अच्छा है कि डेवलपमेंट हो रही है, रास्ते खुले हो रहे हैं, सुविधा मिल रही है लोगों को। तो चलते हैं अब आगे। अरे ये रहे वो पहाड़ देख रहे हो, कैसे नुकीले हैं एकदम, कितने सारे हैं और एक नहीं कितने सारे हैं। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि ये जो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं नुकीले, कोई टाइम था कि सड़क के साथ भी होते थे, अब शायद वो काट दिए गए हैं सड़क के साथ वाले। तो एकदम नुकीले पहाड़ों के बीच से सड़क निकली थी तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही फील आती थी यहाँ से निकलने में। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे, लाड़ू रह गया 3 किलोमीटर और अभी पहुँच चुके हैं लाड़ू, मतलब लाड़ू 1 किलोमीटर बचा है। और अपने ये जो लेफ़्ट वाला रोड है ये निकलता है पठानकोट, नूरपुर, जसूर, और हमने जाना है राइट चंबा वाली साइड। तो चलते हैं आगे। और अभी पहुंच चुके हैं प्रॉपर लाड़ू, ये बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, राइट वाला चुवाड़ी जा रहा है तो हमने जाना है चुवाड़ी वाले रास्ते में, और ये लेफ्ट जाएगा चंबा डलोजी, हम जा रहे हैं चुवाड़ी बयाजोत। वो लेफ़्ट वाला रोड जो है वो डलोजी होकर जाता है, वो भी खजियार निकलता है और ये भी खजियार निकलता है, पर वो जो डलोजी वाला रोड है वो लंबा पड़ रहा है, वहाँ पे लगभग आधे घंटे का फ़र्क आ रहा है, तो ये वाला रोड बेनिफिट देगा। तो मैं इसी रोड से आ गया हूँ। तो मैंने स्मोट में लोकल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जोत वाला रास्ता छोटा तो है पर सिंगल लेन है और कंजस्टेड है, और जो बसेस वगैरह चलती है, ट्रक वगैरह चलते हैं, वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो सेफ़ साइड चलना। तो बस मैं उन्हीं की बातों का ध्यान रखूँगा और अपने बिल्कुल सेफ़ साइड चलूँगा। और शायद मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि आज मैं सोलो राइड कर रहा हूँ स्मोट से खजियार तक की, और खजियार घूमने के बाद मैं शाम को स्मोट वापस चला जाऊँगा। और आज की राइड जो है वो सोलो है बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में अकेला जाना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि अनजान इलाका है, और होता ही है यार किसी अनजान जगह में जाना तो अजीब तो लगता ही है अकेले जाना। पर वो बोलते हैं ना कि पहला कदम उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके बाद रास्ता बन जाता है खुद ही। तो बस वो पहला कदम ले लिया मैंने, घर से निकला हूँ और अब अच्छा लग रहा है कि मैं अकेला आ गया और हिम्मत मिल रही है, और मुझे विश्वास है अपनी पार्टनर के ऊपर कि पार्टनर मेरी धोखा नहीं देगी, और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ सोलो भी। और यार जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो अपने। आगे से ट्रैवलर आ रही है, इसको जाने देते हैं। चलते हैं आगे। ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स को भी आप सब्सक्राइब करते ही हो, तो हर कोई जीरो से स्टार्ट होता है, कोई ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग से किसी ने 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए या 10,000 कर लिए। तो मैं भी अभी जीरो से स्टार्ट हुआ हूँ तो ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर मेरे पास है नहीं, और आई नो कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ अभी, और आस्ते आस्ते मैं उन कमियों को सुधार रहा हूँ। तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट दिखाओ, आपके 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक से और 1 कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रॉपर चवाड़ी नहीं जाना है मुझे, चवाड़ी से थोड़ा पीछे से ही मेन रोड से हमने सीधा जाना है जोत की तरफ, और एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और अब आगे खजियार तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा तो पेट्रोल भरा लेते हैं स्कूटी पे। $300
डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, 902.6। तो पेट्रोल भरा लिए यहाँ पे 300 रुपये का, 3.12 लीटर। और डेंसिटी थोड़ी ऐसी ही है पेट्रोल की, पेट्रोल की डेंसिटी होनी चाहिए 728 से लेकर 780 तक, शायद इसके बीच बीच होती है। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर 720 से लेकर और 780-790 तक ये गुड डेंसिटी मानी जाती है पेट्रोल की। पर इस पेट्रोल पंप पे थी डेंसिटी 902, जो कि गुड नहीं है। पर अपने पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, पेट्रोल पंप आगे कोई है नहीं, यही पेट्रोल पंप है, तो यहीं पे भरा लिया मैंने पेट्रोल। और अब चलते हैं आगे, शायद यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। भराड़ी खजियार जोत लेफ्ट वाला चुवाड़ी सात आसान, हाँ शायद लेफ्ट ही है, ये राइट वाला चला गया। अंकल जी खजियार, ठीक है थैंक यू। ये राइट वाला रास्ता चला गया चुवाड़ी, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट वाले रोड पे खजियार की तरफ। और टाइम हो रहा है 10:55, मतलब 11 बजने वाले हैं, 1 घंटा लग गया चुवाड़ी पहुंचने में, तो चलते हैं अब आगे। ₹680 पे चलना शुरू किया था और अभी ट्रिप हो गया 710 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हम आ चुके हैं, अभी 40 किलोमीटर का सफ़र बचा है, तो चलते हैं अब आगे। अगर आप खजियार या चंबा जा रहे हो वाया जोत हो के, तो दो रास्ते हैं। अगर आप कांगड़ा धर्मशाला वाली साइड से आते हो तो वाया द्रमण हो के आपके लिए ठीक रहेगा, और अगर आप पठानकोट वाली साइड से आते हो तो वाया नूरपुर होके भी आ सकते हो। नूरपुर से आप सीधा लाड़ू निकलोगे, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, लाड़ू से दो रोड डाइवर्ट होते हैं, एक वाया डलोजी होके और एक वाया जोत होके। तो अगर आप वाया द्रमण और जोत होके आ रहे हो तो आपको दो पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, एक तो आपको द्रमण के पास ही मिल जाएगा और एक मिलेगा आपको सियुनता के पास, समोट से 8 किलोमीटर पीछे, और दूसरा पेट्रोल पंप मिलेगा आपको चुवाड़ी, और इसके बाद शायद सीधा पेट्रोल पंप आपको मिलेगा चंबा। तो फ्यूल का आप अरेंजमेंट करके चलो आगे, क्योंकि चुवाड़ी लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे पेट्रोल पंप काफ़ी आगे जाके है, तो एमरजेंसी के लिए स्टॉक रखो और अपनी टैंकी भी फुल रखो। अभी मैंने टैंकी लगभग फुल करा ही ली है, सुई फुल की तरफ ही है, और रोड एकदम ख़तरनाक वाला, जैसा कि बताया गया था मुझे, मेन रोड तो लग नहीं रहा मुझे, इतनी ख़तरनाक हालत है, सिंगल लेन रोड है ये। पर चलो आ तो गए हैं, देखते हैं अब क्या होता है आगे। ये कुछ बोर्ड लगा है, कुट 11 किलोमीटर। यार एक तो यहाँ पे जगह के नाम ही बड़े जीव जीव है। समोट से जैसे मैं निकला, पहला स्टेशन आया टुंडी, ठीक है, टुंडी के 7-8 किलोमीटर बाद स्टेशन आया मुंडी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हंसा उस चीज़ को देख के, टुंडी और मुंडी क्या नाम रखे जगह के और क्या सोच के रखे है। एकदम से सुनसान सा ये पहाड़ी रास्ता है, इतनी देर होगी पर मुझे अभी तक कोई भी गाड़ी सामने से आती हुई नहीं दिखी, ना कोई पीछे चला है ना कोई आगे चला है। तो अगर इस रूट पे आप आना चाहते हो तो बिल्कुल प्रिपेयर होके आना, अगर सोलो राइड कर रहे हो तो, क्योंकि एक टाइम तक ये पहाड़ अच्छे लगते हैं, ये सीनरी अच्छी लगती है, पर एक टाइम आता है कि ये पहाड़ भी आपको चुभड़े लग पड़ते हैं, आपको लगेगा कि ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी एक सिनेरियो होता है। तो ये सब सिनेरियो आप अपने साथ लेके चला करो, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो के आना, अगर आप आना चाहते हो तो इस रूट पे। इतने देर बाद अब एक गाड़ी दिखी है आल्टो, अगर आना चाहते हो सोलो आ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने बताया तो है कि पहला कदम लेना मुश्किल होता है ना, फिर उसके बाद आपका हौसला खुल जाता है,
और कॉन्फिडेंस खुद पैदा हो जाता है। तो ये सब सिनेरियो मैं पहले से सोच के चला था जब मैंने आना था, तो मैं तो सोच के चला था कि इस बार जो मर्जी हो जाए अकेला जाना पड़ेगा, मैं अकेला जाऊँगा पर जाऊँगा ज़रूर। पिछली बार मैं रह गया था पर मोह जाने से, पर इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा हजियार तक। तो बस वही है कि मेंटली प्रिपेयर होके आओ, और ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप वो चीज़ें भी कर सकते हो जो आपने सोची ना हो। तो आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ साइड पर लगा के कि किस तरह की जगह मैं पहुँच चुका हूँ। मैं इन्हीं पहाड़ी रास्तों से साइड साइड से होके जाना है वहाँ तक, और अपने नीचे है चुवाड़ी। तो वहाँ चुवाड़ी से स्टार्ट किया था, अब इतनी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ मैं कि अब मैं यहाँ पे हूँ पहाड़ी पे, अभी और ऊपर चढ़ना है तो नज़ारे तो आने वाले ऊपर और भी अच्छे। ये खड़ी अपनी पार्टनर प्यारी सी और काफ़ी ज़्यादा साथ देती है मेरा, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। लाहौल स्पीति तक जाया हूँ मैं इस पर, और चलते हैं अब आगे। ये रहा चुवाड़ी नीचे, और ऊपर चलते हैं चोत वाली साइड, और कुट है 7 किलोमीटर, तो चलते हैं आगे। तो जब मैं चुवाड़ी पे था तो मीटर था 710 पे, और अभी मीटर है 720 पे, मतलब 10 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, और इस 10 किलोमीटर को पार करने में मुझे 20 मिनट का टाइम लग गया, जो बिल्कुल जेन्युइन है। आई थिंक इतना टाइम लगना भी चाहिए, 2 मिनट लग रहे हैं 1 किलोमीटर को पार करने में, तो ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है, स्पीड अच्छी है, मतलब मेंटेन की हुई मैंने। स्पीड मेंटेन करने का मतलब कि 30-40 पे मेंटेन करी है स्पीड, तो आप मीटर देख ही सकते हो इतनी चढ़ाई है और इतने टर्न आ रहे हैं, कितना भी भगा लूँगा, तो बस वही बात है। और प्लेन रोड हो तो 1 किलोमीटर को पार करने में कई बार 1 मिनट भी नहीं लगता, और ऐसे पहाड़ी रास्ते हैं कई बार 1 किलोमीटर पार करने में 3-4 मिनट भी लग जाते हैं, तो ये सिनेरियोज होते हैं। और यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए, तो पता नहीं अब कैमरा में कैच हो रहा है कि नहीं, अपने लेफ्ट साइड जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है टॉप पे, तो पता नहीं अब खजियार में बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। जोत बचा 10 किलोमीटर, तो आप देख ही सकते हो कि चुवाड़ी कितना नीचे था और मैं कितनी देर से पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, मतलब टोटली मैंने चढ़ाई चढ़ी है अभी तक, और अभी और चढ़नी है। 10 किलोमीटर आगे जाके जोत है, तो 10 किलोमीटर भी पहाड़ी है, बिल्कुल चढ़ाई पे चढ़ना है, तो जोत को जोत पास बोलना कुछ गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी चलते हैं आगे। आप देख रहे हो इतना छोटा सा रोड है, और इस रोड पे HRTC चलती है, इस रोड पे प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, तो आप एस्टिमेट लगा लो कितनी स्किल चाहिए इस रोड पे बस चलाने के लिए। और यहाँ से थोड़ा सा रोड ख़राब है, जोत 9 किलोमीटर। ये देखो अपने पहाड़ के लोग कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं, मतलब तो बाहर लेके चल रहे हैं इतने पहाड़ी रास्ते पे, तो एक लाइक तो बनता है यार जी पहाड़ी। देखो जो समझदार ड्राइवर होगा और जो लोकल होगा पहाड़ों का, वो तो साइड दे देगा, ठीक है, उसको गाड़ी अगर अपनी लेन से नीचे भी उतारनी पड़ी तो वो उतार देगा, पर जो टूरिस्ट होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं कि अपनी गाड़ी नीचे नहीं उतारना चाहते। तो अगर कोई बाहर का बंदा है मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि गाड़ी इस तरीके से चलाओ कि अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखो, क्योंकि जो 2-व्हीलर में चल रहा है बंदा उसको ज़्यादा खतरा है गिरने का, आप तो फिर भी 4 टायरों में चल रहे हो। तो एक छोटा सा मैसेज देता हूँ मैं हर वीडियो में कि अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा करो,
तो बस यही बोलना था। और आस्ते आस्ते मेरी सांस फूलना शुरू हो गई है, एल्टीट्यूड जो है हाई होता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ और अभी और ऊपर चढ़ना है। तो मैं बड़ी तरह से बोला हुआ हूँ तो इस वजह से मेरा गला भी सूख रहा है और मेरी सांस भी चढ़ रही है अब। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी देर चुप रहना चाहिए मुझे, और मिलता हूँ फिर मैं आपसे सीधे आगे। सो अभी पहुँच चुके हैं बिल्कुल हरी भरी जगह में और अपने चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, एकदम हरियाली छा रखी है इधर। पर ठंड बहुत है यहाँ पे, ठंड एकदम से बढ़ गई और हाथ मेरे सुन्न होना शुरू हो गए हैं। तो मैं इतने हॉर्न इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि जो अपोजिट साइड में ड्राइवर आ रहे हैं वो हॉर्न नहीं बजा रहे। तब एक इंसिडेंट हुआ, मैं अपनी साइड चला था अपनी स्पीड में, अपनी लेन में, लेन तो क्या मतलब अपनी साइड में दबा के चला था लेफ्ट साइड पर, और एकदम शार्प टर्न था, मैं हॉर्न बजाता हुआ चला और सामने से एकदम से ट्रक आ गया। अब उस ड्राइवर को मैं क्या बोलूँ कि तू हॉर्न सुन रहा है, कम से कम एक पी तो कर दे, एक बार हॉर्न बजा दे ताकि मुझे भी पता लग जाए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। पर नहीं, उसने हॉर्न नहीं बजाया और एकदम से ब्रेक मारनी पड़ी मुझे। तो इसलिए मैं अभी भी हॉर्न बजाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला बेवकूफ़ है तो उसको देख के खुद बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। और व्यूज़ बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं यार यहाँ से, तो एक बार साइड में रोक के दिखाता हूँ आपको। वाह यार, ख़तरनाक जगह में पहुँच गया हूँ मैं तो। वाह यार, क्या जगह है, व्हाट अ व्यू, एकदम हाई एलिवेशन। अपनी प्यारी पार्टनर, इसको जितना प्यार करूँ उतना कम है। हाँ, क्या सुकून मिल रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता वीडियो में कितना आनंद आ रहा है इस जगह को देख के। और जो खूबसूरती मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो शायद कैमरा में कैप्चर नहीं हो रही है। ये हरे भरे पहाड़ और बर्फ की सफ़ेद चादर बहुत ही प्यारी लग रही है। और कैफे वगैरह बंद है क्योंकि शायद सीज़न ऑफ है इन सबका, और ये एक छोटा सा ढाबा जैसा है। तो चलते हैं आगे अपना प्यारा पहाड़, लव यू। जब पीक विंटर होता है तो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ जाती है, पर अभी तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। अब आगे देखते हैं बर्फ़ मिलती है कि नहीं। अरे वाह, बर्फ मिल गई गाइस। और बर्फ मिल गई, मिल गई, मिल गई, बर्फ मिल गई। देखिए ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बर्फ़ लग रही है मेरे को तो। ये देखिए ले पार्टनर, बर्फ देख, ऐसा लग रहा है झाग गिरा हुआ है दूर से देखने में, इतनी सॉलिड नहीं है। तो यही जो बर्फ़ है ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो देखिए ऊपर भी बर्फ़ पड़ी है, तो ऊपर वाली बर्फ़ तो मेरे को ताज़ी ताज़ी लग रही है, और नीचे जो बर्फ़ है ये शायद मिट्टी की वजह से ऐसे मैली हो गई है, मतलब बर्फ़ है आगे। मज़ा आ गया यार बर्फ़ को देख के। मैं सच बताऊँ गाइस, फ्रिज के अलावा पहली बार ज़िंदगी में अपनी आंखों से पहली बार नेचुरल स्नो देख रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और ये प्राइवेट बस, चलो थोड़ी सी घर को ले चलते हैं, दिखानी भी तो है बाद में लोगों को कि मैं बर्फ़ देखने गया था। तो ये मैं थोड़ी सी लेके जा रहा हूँ घर पे, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैं बर्फ़ देखने गया था। हाँ ये देख पार्टनर, मैं बर्फ़ ले आया थोड़ी सी। आज कौन सा डे है? हाँ हैप्पी प्रपोज डे, हैप्पी प्रपोज डे पार्टनर। जस्ट किडिंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।
तो इस थोड़ी सी बर्फ़ को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, लोगों को दिखाना भी तो है कि मैं बर्फ़ देखने गया था। तो जस्ट किडिंग, चलते हैं आगे। हाँ ठंड, पंगे लेने की आदत है। हाँ ठंडे कर लिए, अब थोड़ा इससे सीखते हैं। सिलेंसर गर्म है यार, ये भी टूटता हुआ है, अब सर्विस करवाऊंगा तो ये सब कुछ चेंज करवाना है। मतलब चंडीगढ़ जाने से पहले मैं एक बार सारा काम करा के जाऊंगा, पार्टनर का सर्विस वगैरह करा के जाऊंगा। वो फर्स्ट टाइम तो मैं बस पे जाऊंगा चंडीगढ़, उसके बाद देखेंगे, अगर माहौल ठीक रहा तो स्कूटी ले जाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा सुनो देख के, अब चलते हैं आगे। तो इस स्नो को देख के लग रहा है कि खजियार में भी शायद स्नोफॉल हुई है। ओयो ओयो यहाँ पे भी अपनी सर्विस दे रहा है। तो 14 फरवरी का प्लान है कुछ, तो आप यहाँ पे भी आके ओयो में सेलिब्रेट कर सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे पप्पीज। हेलो, तो आई थिंक ये उन्हीं बच्चों की माँ है, तो ये शायद भूखी है। ले 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 ले, डर रही बहुत है, ले चली गई। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। ले आई तो है। हेलो, कैसे हैं आप? तो इसने तो खा लिए बिस्कुट, वो जो पीछे वाला डॉग था वो थोड़े नखरे कर रहा था, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। और ये रैपर मैं अपने साथ ले जाऊंगा, पहाड़ों पे गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है? तो ये बेसिकली जो बिस्कुट रखता हूँ मैं स्कूटी में, ये ऐसे ही डॉग्स के लिए रखता हूँ। चलते हैं आगे। और सामने से एक HRTC आ रही है, ग्रीन व्यू कैफे। तो यहाँ पे कुछ एक कैफे हैं, राइडर्स चले हुए हैं फुल पावर। यही तो पंगा है लोगों का, हॉर्न नहीं बजाते बस। फाइनली पहुंच चुके हैं जोत, और बीच में ब्लैक आइस पड़ी है, तो राम राम से चलते हैं। और बिल्कुल ख़तरनाक सी जगह पर पहुंच चुके हैं अभी, अपने बिल्कुल लेफ्ट राइट ब्लैक आइस है, और ये भी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है पहाड़।
अब पता लग रहा है कि असली पहाड़ों में पहुंच चुके हैं हम। और ये खड़ी अपनी पार्टनर, तो यार कुछ बताने को है नहीं, बस कुछ इस तरह का सीन है। अपने लेफ्ट में दो चार कैफे वगैरह हैं और बर्फ पड़ी हुई है, एकदम खतरनाक वाला सीन है, मज़ा आ रहा है। और कैमरे लगे हुए हैं निगरानी के लिए।